अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जितने भी मेरे भाई हैं और जितने भी मेरी बहनें खैरियत से होंगे। ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं मार्केट का? मार्केट का मैंने आपको कल D1 का बताया था कि ये D1 का एरिया आ रहा है, मार्केट ने वो एरिया लिया। कल परसों मैंने आपको ये एरिया बताया था, इस एरिया से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेके मार्केट मजीद सेलिंग में आ गई। अब मार्केट ने हमें प्रॉपर बता दिया मेन ट्रेंड सेल है मार्केट का, सही है, क्योंकि हमारे पास ये एक ये एरिया था हमारे पास 70-75 का। ये एरिया ब्रेक हो गया, मार्केट ने हमें प्रॉपर बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड सेल का है। लेकिन अभी हम क्या चीज देखेंगे? एक और चीज D1 में बड़ी मजे की दिख रही है, जो कि हम इस चीज को भी नोट कर सकते हैं, जो कि हमारा बनता है 1750 का एरिया। यहाँ पे ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे हेड ये बना है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठी थी, यहाँ पे एक और शोल्डर बना के मार्केट उठ सकती है। ये कुछ सिनेरियो दिख रहे हैं, अभी बना कुछ बन सकता है ये, सही है। अच्छा, काफी टाइम से आप लोग को मैं सेलिंग करा रहा हूँ यहाँ से मार्केट, जब से मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ सेल करो, बाय में नहीं घुसो, सेल करो सेल करो। अच्छा, अब हमें सिचुएशन क्या दिखती है? हमारे पास है आज 3 न्यूज़, सही है, दो तीन न्यूज़ेस हैं हमारे पास। अब उन दो तीन न्यूज़ेस में हो ये सकता है कि गोल्ड बाइंग का मूव दे, फिर सेलिंग का मूव दे, सही है। पहले गोल्ड यहाँ से उठ के 90-95 तक का बाइंग का मूव दे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट एरिया भी आ रहा है, यहाँ से फिर मजीद सेलिंग का मूव दे, सही है। ये कुछ सिनेरियो दिख रहे हैं हमें गोल्ड के, कि गोल्ड हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है H1 में, H4 में। और वैसे मेरा तो ये सब भाइयों से ये मशवरा है, जितने भी मेरे भाई हैं, कि आज के दिन में अगर ट्रेड ना करें तो बेहतर है, सही है। ट्रेड ना करें तो बेहतर इसलिए है क्योंकि जब ऐसा मिक्स सिचुएशन होती है ना, न्यूज़ काफ़ी सारी होती हैं, तो अक्सर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों को लॉस होता क्यों है? लोगों को लॉस इसी ऐसे होता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पे मिक्स सिचुएशन होती है मार्केट में, और मिक्स सिचुएशन में लोग घुसते हैं और लोग अपना लॉस उतना नहीं कमा काटते जितना अपना रोज का प्रॉफिट काटते हैं। लॉस हमेशा वो पूरे हफ्ते का ही प्रॉफिट काट देते हैं, तो ये वाला मसला होता है जिसकी वजह से लोग इस मार्केट में ग्रो नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये एरिया है, यही एरिया है, यहाँ से गोल्ड को बाइंग उठना चाहिए, लेकिन गोल्ड अब उठेगा तो थोड़ा सा नीचे मार के उठेगा बाइंग। ये एरिया है गोल्ड की बाइंग की, दो दो एरियाज आ रहे हैं गोल्ड के बाइंग के। एक तो एग्जैक्ट ये एरिया आ रहा है 1790 का, उसके बाद एक एरिया ये भी है गोल्ड का बाइंग का, तकरीबन यहाँ से अगर हम लगाएं तो 84-82-85 तक का एक एरिया है, यहाँ से भी गोल्ड आके सेल हो सकता है, सही है। तो ये कुछ गोल्ड की सिचुएशन थी। M15 में आते हैं, M15 में हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है? M15 में हमें कोई अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा, और मार्केट इतनी जो फॉल हुई है, कल हमने यहाँ से सेल करी थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस एरिया से सेल करी थी, हमने यहाँ पे अपनी एग्जिट भी ले ली थी। हम ज़्यादा होल्ड नहीं करते, रोज़ अपना प्रॉफिट बनाते हैं और क्लोज करते हैं, सही है। उसके बाद जो हमारे लोग होंगे, उन्होंने बिल्कुल इन लेवल्स को देख के भी अच्छा काम करा होगा और अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अभी की सिनेरियो ये हो गई, और बाकी किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला आ रहा हो तो मुझसे बिला झिझक पूछ सकता है। आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। किसी को मार्केट रीटर क्लब में आना है, किसी को मेरे साथ मिलकर ट्रेड करनी है, मार्केट रीटर क्लब में अलहमदिल्ला हम लोग रोज़ तकरीबन लाइव ट्रेड करवाते हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हर बंदा अलहमदिल्ला प्रॉफिट बना रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करें उतना कम है, हर बंदा प्रॉफिट कर रहा है, और उम्मीद है आप लोग भी इस तरीके से चीज़ें देख के प्रॉफिट कर रहे होंगे, सही है। अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, जम के प्रॉफिट बनाएं, भाई को दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।